मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में देश के उन गरीब परिवारों में जहां आज भी रसोई के लिए लकड़ी चूल्हे का उपयोग किया जा रहा है, उन घरों में एलपीजी पहुंचाने के लिए भारत सरकार एवं भारत पेट्रोलियम द्वारा नई पहल शुरू की गई है। लोगों में जन जागरूकता एवं एलपीजी का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से छात्राओं की मदद ली जाएगी। इसी को लेकर गुरुवार को जीआईटी बोराव कॉलेज में भारत पेट्रोलियम द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अफसरों ने बताया कि यह किस तरह की शिक्षा के साथ ही सामाजिक दायित्व भी निभा सकती है। उन्हें बताया गया कि अपने आसपास या गाँव में जो भी लोग चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करें। आर्थिक तंगी के चलते जो लोग एलपीजी सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं, उन परिवारों को निःशुल्क प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मौके पर टीएम अजीत सिंह सेंगर, सोहेल अख्तर, अमीर सेंगल, राजेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद थी। आज हम लोग जेआईटी कॉलेज में हैं, हम अपने भारत पेट्रोलियम के जो साथी लोग हैं उनके साथ में, और ये कॉलेज के साथ हमने एक एसोसिएशन बना के एक मैसेज देने की कोशिश की है सारे स्टूडेंट्स को, जो खासकर गर्ल्स स्टूडेंट्स थे। आइडिया ये था कि उज्ज्वला स्कीम जो लॉन्च किया गया है, ये एक बहुत ही सामाजिक एक बदलाव लाने वाली एक स्कीम है, खासकर उन लोगों के लिए लोग जो गांव में रहते हैं और जो गांव के हाउस होल्ड्स में जो धुआं का मतलब हर खाना जो बनाते हैं लकड़ी पे, और उससे धुआं जो पैदा होता है वो काफ़ी हानिकारक होता है। जैसे आपको पता है कि एक घंटे में जो खाना बनता है चूल्हे पे वो 400 सिगरेट पर आवर होता है। तो अभी इस चीज़ के लिए जो उज्ज्वला स्कीम जो लॉन्च किया गया है, इसे गाँव गाँव तक अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू हम गाँव में पहुँचा रहे हैं, लेकिन मामला वहाँ पर कुछ अफोर्डेबिलिटी का हो रहा है। लोग जो है गाँव में गरीब हैं, एक बार तो कनेक्शन मिल गया जिसमें सरकार के सहयोग से और कंपनी के सहयोग से उनके पास कनेक्शन पहुंचा दिया गया, और अब दोबारा उनको लेने के लिए अफोर्डेबिलिटी का मामला है, पैसे नहीं है। तो हम लोग गांव-गांव में जाके और स्टूडेंट्स के माध्यम से या कॉलेज के माध्यम से बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके थ्रू उनके पास पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये सेंसिटाइज किया जाए कि देखो आप पान खाते हो, गुटखा खाते हो, तम्बाकू खाते हो, रोज 10-20 रुपया उड़ा देते हो, अगर आप 10-20 रुपया जमा करते रहो तो। अभी हमने एक नया काम किया है कि 5 केजी का सिलेंडर भी लॉन्च कर दिया है। जब हमें यह पता चला कि 14 केजी 14 केजी सिलेंडर लेने में लोगों को थोड़े से पैसे ज्यादा लगते हैं, तो इसको महसूस करते हुए 5 केजी का भी सिलेंडर लाया जो अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपये के आसपास में, तो 10 रुपया हर रोज कोई अगर जमा करता है या घर की औरतें जमा करती हैं तो महीने में 300 रुपया आ जाता है, और 300 रुपया आ जाएगा तो क्लीन एनर्जी में बिना धुआं मुक्त जो है वो खाना बना सकती हैं, जो उनके सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो बाकी सारी पूरी फैमिली भी खुश रहेगी। तो हमारा ये प्रयास चल रहा है, अभी हम लोग 6-7 दिन से दौरा कर रहे हैं, डिफरेंट इलाके में जा रहे हैं, गांव में भी गए हम लोग, और हमारे पूरे मैच के MP और छत्तीसगढ़ दोनों देखता हूँ, तो वहाँ पर हर जगह हमारा नेटवर्क, हमारे ऑफिसर्स लगे हुए हैं, गाँव में जा रहे हैं, लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं। ये कल्चरल प्रॉब्लम भी है लोगों का कि वो ये सोचते हैं कि LPG पे खाना बनाने से खाना का स्वाद नहीं होता है, तो ये चीज़ जो है थोड़ा भ्रम को तोड़ना भी होगा, इसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। इसलिए हम कॉलेज के जरिए जैसे JIT का सहयोग ले रहे हैं, और भी कॉलेज में जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे, वहाँ भी लोगों को, बच्चों को, ये जो यंग माइंड से उनको बोलेंगे आसपास आपके परिवेश में जो भी फैमिली रहती है आप भी आउटरीच करो, उनको समझाओ कि ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल तो हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हम सब लोग मिलकर, समाज के सारे हिस्से के लोग मिलकर अगर ये काम करें तो बहुत जल्दी हम सामाजिक परिवर्तन भी ला सकते हैं और लोगों के स्वास्थ्य अच्छा बना सकते हैं। सर, कनेक्शन देखिए, अभी जो गवर्नमेंट टोटल 8 करोड़ का है, जिसमें 5 करोड़ तो हम लोगों ने बांट दिया था, और ये 3 करोड़ बाकी जो है उसके थ्रू करके जो लोग बच गए हैं किसी वजह से, तो हम लोग ये काफी प्रयास कर रहे हैं कि जो बचे हुए लोग हैं गवर्नमेंट की भी मदद ले रहे हैं, पता करें कि कौन से हाउस होल्ड्स के अंदर में कनेक्शन अभी नहीं गए हैं, तो वहाँ तक हम अपने नेटवर्क के थ्रू, बाकी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या राशन शॉप के थ्रू, डिफरेंट मीडियम्स हैं, गवर्नमेंट का भी सहयोग ले रहे हैं जैसे पंचायत सचिव होते हैं, तो उनसे इंटरेक्शन चल रहा है कि उनको आइडेंटिफाई करके हम उन तक पहुँचा देंगे।